वाराणसी जिला पोस्ट शोलापुर ग्राम भवानीपुर में आशुतोष यादव नामक 10 साल का छोटा बच्चा बहुत ही गहरी समस्या से ग्रसित है। एक बार तो आशुतोष यादव जो 2-3 साल पहले उसी रास्ते पे बारिश के दिनों में गिर गए थे, जिसके कारण उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और सर में भी गहरी चोट आई थी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसी समस्या से परेशान हैं। उस गाँव के 1000 से ज़्यादा लोग इसी रास्ते से परेशान हैं। और मैं शबनम, ये है मेरा समुदाय। क्या नाम है बेटा? आशुतोष यादव। किस क्लास में पढ़ते हो? कि क्या समस्या है छोटू? सड़क नहीं बन रहा है और इस पे बहुत कचरा आती है, मैं सड़क के गिर गया, मेरा हाथ टूट गया। कितने साल पहले बाबू? 2-3 साल। अरे हाँ भैया, बोलिए क्या समस्या है? समस्या है कि बरसात में इस रोड पे आने जाने लायक नहीं रहता है, बच्चे गिर जाते हैं, उनका हाथ टूट जाता है। एक आदमी राहगीर जा रहा था तो उस पे गिर गया, उसका पैर टूट गया। हम लोग के आवे के जाए के सड़क ही बढ़िया से बन जा, पूरे गांव के हमने के जनता इधर क्योंकि कायदे के चक्रोट रास्ता नल, हमने सोचते कि हमने के बढ़िया बन जाए। कितने लोग होंगे आंटी इस रोड से जाने आने वाले? बहुत, हम लोग के पूरे तो से कहते इधर से बहुत दूर तक पक्के पर उधर बड़ी दूर से आदमी पे सब आवना। मैं चाहती हूँ कि इस गांव की प्रधान सही तहकीकात करते हुए रास्ते पे अपना नज़र डालते हुए यहां का रास्ता सही बनवाए, ताकि और भी कोई बच्चा आशुतोष की तरह ना गिरे और उसका हाथ फ्रैक्चर ना हो। बहुत सारे राहगीर भी आते जाते हैं जिस कारण उनका एक्सीडेंट होता है। ऐसी इन सारी परेशानियों से बचाने के लिए उन्हें अपनी नज़रों को एक बार फिर से उस रास्ते पर डालना होगा जो कि सही ढंग से अपना कार्य कर सके और फिर से दोबारा वो रास्ता अच्छा बनवा सके। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करना चाहती हूं कि ग्राम प्रधान को इस नंबर पे 9670705415 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।